कैसा लगा मैम घूम के? मतलब आए तो अच्छा लगा, नहीं आते तो मन में रह जाते कि गर्मी महसूस होता है यहाँ पे आके तो। घर में देखा मगर ये प्लेस पर्टिकुलर यही प्लेस। ये भारत का आखिरी कैफे और ये है पाकिस्तानी टैंक जो यहाँ धरा पड़ा है। अमेरिकन टैंक है, अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की बहुत मदद की थी, वापस उसी को नुकसान भी पहुँचाया, लेकिन ये टैंक इनके यहाँ पे पड़े हैं। और ये है इंडियन टैंक, ये एकदम हैवी है इसकी, तो इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है, वो टैंक इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा हैवी टैंक है, बहुत ही पावरफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे लिखा हुआ है M-46। ये ऑटोमेटिक है पूरा। ये देखिए इसके टायर्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा हैवी है एकदम, ये देखिए डबल डबल टायर्स और मतलब बहुत ज़्यादा हैवी टैंक है। ऐसे दो टैंक यहाँ पे रखे हुए हैं, लेकिन ये इस युद्ध में नहीं उपयोग में हुए, कतर वाली लड़ाई में नहीं उपयोग में हुए। ये पाकिस्तानी जो सैनिक थे वो मशीन गन लेके यहाँ आए थे, युद्ध में इस्तेमाल की थी वो मशीन गन है, लेकिन उनको नहीं पता था कि भारतीय सेना के सामने हम चाहे कौन सी भी मशीन गन या कुछ भी टैंक वगैरह लेके जाएंगे तो वापस तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा या वहीं ध्वस्त होना पड़ेगा, और वैसा ही हुआ। ये मशीनें यहीं पड़ी है और उनको धूल चटा दी, क्योंकि इंडिया के पास ये थी सामने, जुगाड़ था लेकिन उसका खेल ख़त्म कर दिया। सुबह के समय में जब रात भर यहाँ जो 120 सैनिक थे उन्होंने युद्ध का सामना किया, लड़ाई की, और सुबह ये एयरफोर्स का विमान जो आया था वो यहाँ बताया गया है। ये इंडियन आर्मी का हेलीकॉप्टर है, रियल में जो युद्ध में हो चुका है उपयोग में वो है, देख सकते हो आप। ये भैया आप कहाँ से पधारे हो? कहाँ से पधारे आप? मैं हैदराबाद। हैदराबाद से पहली बार आए यहाँ लोंगेवाला? हाँ जी। कैसा लगा देखने के बाद? बहुत अच्छा है। जो लोग वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उनको क्या कहोगे, मतलब स्थान के साथ देखने लायक जगह? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जो मैं भी नहीं सुना अभी तक, पहले मूवी में देखा होगा ना? मूवी में बॉर्डर में देखा मगर ये प्लेस पर्टिकुलर यही प्लेस बोल के समझ। हाँ एकदम एग्जैक्ट यही जगह। अभी उसमें मूवी देखे ना अपन, डॉक्यूमेंट्री, जब पता चला अच्छा ये पूरा एग्जैक्ट यही जगह है। और किस तरह पूरा किया वो पूरा समझ में आ गया ना, है ना? ठीक। भैया जी आप लोग कहाँ से पधारे? उदयपुर। उदयपुर से? अच्छा राजस्थान के हो? हाँ, हाँ। पहली बार आए? हाँ, कैसा लगा देखने के बाद? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। गौरवित महसूस होता है यहाँ पे आके तो। पूरा वो डॉक्यूमेंट्री देखा क्या? हाँ नहीं, डॉक्यूमेंट्री अब देखेंगे। अच्छा उधर आप जाएंगे? अच्छा। डॉक्यूमेंट्री देखिए, अभी ये पढ़ा भी है तो। अच्छा उधर आप जाएंगे? बाकी बहुत अच्छी जगह लगा। जो सेना के बारे में जो आपको पूरा समझ में आया कैसे क्या युद्ध हुआ था वो? नहीं वो अभी जाएंगे। अच्छा अभी आए? तनोट गए थे, तनोट में जो डॉक्यूमेंट्री देखी थी वो समझ में आया। अच्छा। समझ में आया पूरा, वैसे भी अच्छा लगा। यहाँ पे अभी बता रहे हैं इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं। हाँ वही, लेकिन एग्जैक्ट यही जगह, मतलब ऐसा पहली बार देखा हुआ? कैसा लगा मैम आपको? अच्छा लगा, क्या कहना चाहोगे? मतलब आए तो अच्छा लगा, है ना? नहीं आते तो मन में रह जाते कि क्यों नहीं गए, देखा नहीं हमने। हाँ ठीक। सर कौन सी जगह से आए हो आप? हम कौन सी जगह से आए हो? हम तो आए ना ये क्या नाम, भिलवाड़ा जिले से। भिलवाड़े से पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार आए। तो कैसा लगा अभी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? जो लोग वीडियो के थ्रू देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे लोंगेवाला ट्रिप? लोंगेवाला ट्रिप आना चाहिए देखने के लिए। अच्छा, और गए जैसलमेर, सम गए। अच्छा, अब जैसलमेर देखा नहीं, अब देखना है तनोट जाके। तनोट जाके आगे? अच्छा, तनोट जा रहे हैं अब, मतलब नहीं गए अब, जा रहे पहले सम गए थे, उधर से आए। उधर से आए? ठीक है। अब तनोट का रास्ता हमें बताओ किधर से जाना हो, यही रास्ता है? ये पूरा ये सीधा रोड जाता है सीधा तनोट? हाँ, ये भारतमाला जो सीधा का सीधा निकलने का। भारतमाला किधर है? इधर है। अभी तनोट जाने का है ना? तनोट जाना तो ये बस सामने सीधा, हम भी उधर ही जाएंगे। इधर है ना? हाँ। अब सब साथ में आए? सब साथ में।
कैसा लगा मैम घूम के? पिक्चर में पहले देखा होगा ना, रियली पहली बार देख रहे हो? ठीक है।